हरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्जायाणं नमो लोए सर्वसां एषु पञ्च नमकारो सर्वपापप्रणाशनो मंगलाणं च सर्वेशिं परमं भवै मंगलम्। जय जगजीव जोणी वेयाणो जगगुरु जगानंदो जगनाहो जगबंधो जय जगप्रियामहो भयो जय सुयाण बभवो तीर्थयराणम अपच्छिमो जय जय गुरुलोगाण जय महब्बा महावीर सच्चिदानंद संपूर्णं विश्वज्ञं विश्वपावनं शंखेश्वर पुरोत्तमं पार्श्वनाथं नमाम्यं। सर्वारिष्ट प्रणाशाय सर्वाभीष्टार्थदायिने सर्वलब्धि निधानाय श्री गौतम स्वामिने नमः। श्री सुधर्मा स्वामिने नमः। अज्ञानतिमिरांधानं ज्ञानांजनशलाकरं नेत्रमुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। अब आज हम प्रश्न पहले ये उपस्थित कर रहे हैं। समरी बारह से समरी साहिब जी गुरुदेव के चरण कमलों में कोटि से कोटि वंदन। सभी आत्मात्मियों को जय जिनेंद्र। क्लास नंबर 35 की समरी। द्रव्य गुण और पर्यायों के समूह को पदार्थ कहते हैं। जीवास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकास्तिकाय धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय पुद्गलस्तिकाय इन पांच द्रव्यों की अस्तिकायात्मक समूहात्मक संज्ञा रूप को ही लोक या जगत कहते हैं। समस्त जगत की व्यवस्था त्रिपदी उत्पाद व्यय और द्रव्य के माध्यम से चलती है। आत्मा एक ही सक्रिय और अस्थिर द्रव्य है। आत्मा स्वयं द्रव्य में उत्पाद व्यय प्रक्रिया से परिवर्तन करता रहे अस्थिर रहे सक्रिय रहे उसे ही संसार कहते हैं। और इसके विपरीत वही आत्मा स्वयं द्रव्य में उत्पाद व्यय प्रक्रिया न करे स्थिर हो जाए उसे ही मोक्ष कहते हैं। आत्मा पुद्गल पदार्थ को ग्रहण करके अपने कर्मानुसार भिन्न भिन्न शरीर बनाते हुए जितने जन्म करेगी वही वह हो जाएगा जीवों का स्वरूप जीव विज्ञान। इसमें द्रव्य का कभी व्यय होता ही नहीं सिर्फ पर्यायों का ही व्यय होता है। पदार्थ समूह की चर्चा जगत के स्वरूप को जानने के लिए ही करते हैं। जो जो द्रव्य प्रदेश समूहात्मक स्वरूप पिंड है उसी का अस्तित्व है। द्रव्य के बिना लोक का अस्तित्व नहीं है और लोक के बिना द्रव्य का अस्तित्व होता ही नहीं। लोक पंचास्तिकायात्मक द्रव्य का ही समूह है और यह कोई काल्पनिक है नहीं। इट्स अ रियलिटी फैक्ट ऑफ द सब्सटेंस। इस प्रकार जैन दर्शन के एक एक सिद्धांत अकाट्य है कोई गलत प्रूव ही नहीं कर सकता है। इट्स अनचैलेंजेबल। आत्मा आकास्तिकाय धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय के प्रदेश अखंडित है अविभाजित है जबकि पुद्गलस्तिकाय के प्रदेश विभाजित होते हैं। इन पांचों अस्तिकायात्मक पदार्थों में से किसी भी एक द्रव्य को हटा दें तो समस्त लोक जगत की व्यवस्था बनी नहीं पाएगी। अब क्लास नंबर 36 की समरी। आपसे ने पदार्थ विज्ञान की व्यवस्था के विषय में समझाया था। द्रव्य और गुण की पर्याय में परिवर्तन उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से होता रहता है। जिस आत्मा ने जैसी पर्याय धारण की उसके हिसाब से व्यवहार करेगी। जब जीव उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से जो शरीर धारण करती है उसे जन्म और जिस शरीर को छोड़ देती है उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन मूल द्रव्य का कभी नष्ट होगा ही नहीं सिर्फ पर्याय बदलती रहेगी। ऐसे ही पुद्गल द्रव्य में भी स्कंद से परमाणु और परमाणु से स्कंद रूप पर्याय में उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से संघात करते हुए पर्याय में परिवर्तन होता रहेगा। एक परमाणु ने आज दिन तक अनंत अनंत बार अनंत अनंत पर्याय धारण की है और भविष्य में भी अनंत अनंत बार अनंत अनंत पर्याय में परिवर्तन होता रहेगा। जो प्रदेश समूहात्मक पिंड रूप हो और जिसका अस्तित्व त्रिकालिक हो उसे अस्तिकाय कहते हैं।
इसी अस्थिकाई संज्ञा को पांच पदार्थों या द्रव्यों की संख्या की दृष्टि से घटित करें। आकाशिकाई अनंत अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप जिसका अस्तित्व त्रैकालिक है। धर्मास्तिकाई असंख्य अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप जिसका अस्तित्व त्रैकालिक है। अधर्मास्तिकाई असंख्य उद्गलस्तिकाई असंख्यात असंख्यात व अनंत अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप जिसका अस्तित्व त्रैकालिक है। आत्मा असंख्य अखंड प्रदेश समूहात्मक पिंड स्वरूप जिसका अस्तित्व त्रैकालिक है। कोई भी मूल द्रव्य आकार प्रकार धारण करने के लिए जो प्रक्रिया करे उत्पन्न होवे और नष्ट भी होवे उसी को पर्याय कहते हैं। उसी प्रकार किसी भी द्रव्य के गुण जो व्यवहार में आए और उत्पन्न होवे और नष्ट होवे तो वह गुण की पर्याय बनेगी। संसारी आत्मा में द्रव्य की और गुणों की पर्याय का परिवर्तन होगा। सिद्ध आत्मा में द्रव्य आत्मा की पर्याय नहीं बदलेगी लेकिन गुणों की पर्याय परिवर्तन होता रहता है। आकाशिकाय में क्षेत्र पर्याय धर्मास्तिकाय में गति सही होगी अधर्मास्तिकाय में स्थिर सही होगी पर्याय परिवर्तन होता है। उद्गलस्तिकाय में स्कंद से परमाणु और परमाणु से स्कंद में पर्याय परिवर्तन होता रहता है। अनंत अनंत जीव ने संसार में एक बार में अनंत अनंत टू द पावर इंफिनिटी बार औदारिक वर्गना की परमाणुओं को ग्रहण किए हैं और उन्हें छोड़े भी हैं। उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से एक एक परमाणु एक एक आत्म द्रव्य अनंत अनंत पर्याय धारण भी की है लेकिन उनके एक भी प्रदेश अनंत अनंत काल तक कभी बिखरा ही नहीं। इसलिए धर्म प्रेमी बंधुओं सीमंद्र स्वामी एवं साहब जी का यह कहना है कि हमें इस उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से शीघ्र ही छुटकारा पाने का मास्टर प्लान बनाकर मोक्ष मार्ग पर अग्रसर होने का लक्ष्य साधें। कोई त्रुटि हो तो मिच्छामि। बहुत बहुत धन्यवाद आदि। आज द्रव्यानु योग की 37वीं क्लास चल रही है। अब यहाँ पर हम पहले ये देख रहे हैं केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंतों को त्रिपदी बताने का प्रयोजन क्या रहा। हाँ जी, सबको प्रश्न समझ में आना चाहिए कि केवल ज्ञानी सर्वज्ञ भगवंतों ने त्रिपदी बताई, क्या प्रयोजन रहा, क्यों बताए, क्या आवश्यकता थी, क्या बिना त्रिपदी के नहीं चल सकता था। बोलिए माता जी, बोल सकते हैं। साहब जी, आपने कहा था कि त्रिपदी मैनिफाइंग ग्लास है जिससे कि सभी पदार्थों का बहुत अच्छे से वर्णन हो सकेगा। आपने कहा था, आपने मुझे इतना ही ध्यान है कि इसको इसके द्वारा सभी पदार्थों का अच्छे से विस्तृत रूप से हमें ज्ञान मिल पाएगा। अब आप दो दो बार मत बोलना है, एक ही बार। मेहता जी, प्रश्न क्या है? त्रिपदी कैसी है ऐसा मैंने नहीं पूछा है। आखिर तीर्थंकर सर्वज्ञ भगवंतों को त्रिपदी बताने की कहने की आवश्यकता क्यों लगी? तीर्थंकर भगवंत ने त्रिपदी बताने की आवश्यकता इसीलिए लगी क्योंकि जो भी तत्व है, जो पदार्थ है, उसको त्रिपदी के बिना जाना ही नहीं जा सकता, पूरा समझा ही नहीं जा सकता है। इसीलिए त्रिपदी की पहले बताई हुई। हाँ जी, तोरड़िया जी, क्या लग रहा है आपको? महाराज, ये तो थोड़ा सा आप ही समझाएं महाराज। अरे भगवान, आप ही समझाएं। बहुत पहले बात ऑलरेडी हो चुकी। तो वो भूल गए महाराज, याद नहीं है ना वो आपसे। अच्छा, ये बात है। हाँ जी, चलिए, बात ये है, मैं ये पूछता हूँ सेकंड प्रश्न, फिर से ध्यान में रखना। मीना बहन जी, what type of the whole cosmos or the universe is that is already the omnipotent teacher they are saying they are looking or whatever they are saying they are looking according to them the whole universe is existing both the side vice versa please think over it which is the correct sentence It always existed. The universe always existed with all its particles and all its. And nobody created it. Nobody can destroy it. Not that is not the question.
I'm asking only that according to the all pervading knowledge, according to the omnipotent teacher, what they are looking, what they are speaking, according to that, the whole universe is functioning or whole universe is existing, or the whole universe is what form, in what form, how it is functioning, how it is existing. That is the Keval Jnani, the Sarvajna Bhagavanta is saying. Both the side, vice versa. If you will see here that what this is, the whole universe, you see. So what is this whole universe? Achalya ji, boliye. Lok hai, usme panch dravya aapne bataya hai, Marasa. Only it should be in the one sentence definition. पांचो अस्थिकाय का समूहात्मक राइट राइट वेरी गुड कंप्लीट द सेंटेंस पांचो द्रव्यों का समूहात्मक पिंड लोक है अस्थिकायात्मक ऐसे पांचों द्रव्यों का समूह ही जगत है ऑलरेडी दिस इज ऑलरेडी डेफिनेशन एंड एवरीवन हैज रिटन दिस थिंग बट यू आर फॉरगेटिंग दैट यू सी अजी अभी देखिए मैंने क्या प्रश्न पूछा था मीना जी को कि जैसा जगत है वैसा केवली के ज्ञान दर्शन में दिखता है ज्ञान में आ जाना जाता है या जैसा केवल ज्ञानी अपने ज्ञान दर्शन में देखते जानते हैं वैसा जगत है प्रवीण जी थोड़ा ध्यान दीजिए आप समझ में आ रही है बात नहीं चलिए साहब अंसा बेन शू कैसो हाँ साहेब जी जैसा जगत है वैसा केवली के ज्ञान दर्शन में आ रहा है चलिए अब राहुल जी आपको बोथ दो दो साइड से सेंटेंस आर करेक्ट इन द प्रॉपर आंसर और नॉट करेक्ट साहिब जी हाँ देखिए कैसे करेक्ट है आप पहले ये समझिए ये जो मैंने बताया कि पूर्ण जगत जो है जिस स्वरूप में है और जैसा है इट रिफ्लेक्ट्स इन देयर नॉलेज आ रहा है ख्याल में आपको द होल यूनिवर्स व्हाट द यूनिवर्स इज What the whole cosmos is, it reflects in the Keval Jnan and Keval Darshan. And the Kevali, having the omnipotent knowledge, having the all pervading knowledge, whatever they are looking, whatever they are knowing, and whatever they are saying, that is also vice versa. Both the sentences are correct. जैसा केवल ज्ञानियों को दिखाई देता है वैसा ही जगत है वैसा ही जगत में सब कुछ होता भी है और जैसा जगत है और जैसा जगत में होता है वो सब केवली के ज्ञान दर्शन में स्पष्ट दिखाई देते अब आप देख लीजिए ध्यान से समझिए कि नहीं द्रव्य और गुण रूप से जैसा जगत स्वरूप है एग्जिस्टेंस फॉर्म जो द्रव्य स्वरूप में है वो गुण स्वरूप में है वो केवल ज्ञान दर्शन में दिखाई दे रहा है तो केवल ज्ञान केवल दर्शन के अंदर जगत का स्वरूप जैसा है वैसा ही तो बताएंगे अब बताने कहने के लिए तो भी त्राग भाव है उनके पास है ना कहने के लिए उनके पास भी त्राग भाव है लेकिन अब उनको आप ये समझिए कि जब केवल ज्ञान है और केवल दर्शन है तो केवल दर्शन में तो जैसा है वैसा रिफ्लेक्ट हुआ अब केवल ज्ञान से जैसा है वैसे उन्होंने जान लिया अब वितराग भाव से जैसा हो रहा है वैसा कह रहे हैं थोड़ा सा ध्यान दीजिए आप समझ जाएंगे तो जैसा है व्हाट द एग्जिस्टेंस जो है वो स्ट्रक्चरल फॉर्म में द्रव्यों का है और उन द्रव्यों के अंदर जो उनके गुण है गुणों के साथ अब गुण जब एक्टिव होते हैं गुणों के कारण द्रव्य जब एक्टिव होते हैं तब जो है फंक्शनिंग सिस्टम आएगी जगत क्या है
जगत में क्या हो रहा है, दोनों बात अलग अलग है। नरेंद्र जी, दोनों बात जो अलग अलग समझने की कोशिश करिए। जगत क्या है, जगत कैसा है और जगत में क्या हो रहा है। प्लीज कॉन्सेंट्रेट ऑन द प्रॉपर वर्ड्स। तो जगत क्या है, ये द्रव्य से बताएं। जगत कैसा है, द्रव्यों के गुणों से बताएंगे। जगत में क्या हो रहा है, वो पर्याय से बताएंगे। अरे ये बात समझ में, तीनों बात का ध्यान रखिए। आशा बहन बोलेंगे। या जगत क्या है, वो द्रव्य स्वरूप से समझा जाएगा। द्रव्य स्वरूप से समझा जाएगा। जगत कैसा है, वो द्रव्य के गुण के आधार से समझा जाएगा। और जगत में क्या हो रहा है, वो द्रव्य की पर्याय से जाना जाएगा। द्रव्य की और गुण की दोनों के साथ लिखो आप। पहले बरोबर ध्यान देना सा मेहता जी, बरोबर लग रहा है बात आपको? जी सर जी, बरोबर बैठी। हाँ नहीं, आप पहले ये सोचिए सही लग रही है बात, गलत लग रही है, कैसी है वो बात देखिए ना। तो यहाँ पर जगत क्या है, इसका उत्तर क्या रहेगा? अस्थि कायात्मक पांचों द्रव्यों का समूहात्मक स्वरूप जगत है। बस बात पूरी हो गई। जगत कैसा है, पांचों द्रव्यों के जो गुण हैं उनके आधार पर आप वर्णन करेंगे जगत ऐसा है। एंड व्हाट इज हैपनिंग इन द होल यूनिवर्स, अब जगत में क्या हो रहा है, तब आप क्या बताएंगे? उत्पाद व्यय के कारण पर्याय में परिवर्तन। इससे आपको क्या लगेगा कि हाँ जगत में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, तब आपको ये सेंटेंस देना पड़ेगा, उत्पाद व्यात्मक पर्याय और पर्याय के कारण परिवर्तन। ये नियम बरोबर बैठ रहा है। उत्पाद व्यय होगा तो पर्याय जरूर बदलेगी, पर्याय बदलेगी तो उत्पाद व्यय जरूर होगा। उत्पाद व्यय और पर्याय का परिवर्तन उत्पाद व्यय के कारण हो रहा है। उत्पाद व्यात्मक पर्याय के कारण जो परिवर्तन होगा वो इस जगत की सारी घटनाएं होगी। जगत के अंदर सब कुछ जो बनेगा, जगत में जो भी कुछ घटेगा, ख्याल आएंगे, वो सिर्फ उत्पाद व्यात्मक पर्याय से होने वाला है। बोलिए कानन बेन, बोलेंगे आप? सर आई एक्चुअली ज्वाइंड एक मिनट पहले, लेकिन जो भी समझा उसमें से इतना बता कि उत्पाद व्यय के कारण पर्याय में परिवर्तन होता ही रहेगा और जगत में जो भी परिवर्तन होता है वो उत्पाद व्यय के कारण होता है। अब ये बात समझे, उत्पाद व्यय किस में हो रहा है? द्रव्य में भी हो रहा है, गुणों में भी हो रहा है। लेकिन एक तरफ तो हमने लिख दिया उत्पाद व्यात्मक, अब उत्पाद व्यात्मक पर्याय होती है। ध्यान रखना, उत्पाद व्यात्मक द्रव्य नहीं होता है, उत्पाद व्यात्मक गुण नहीं होते हैं, उत्पाद व्यात्मक सिर्फ पर्याय ही होती है। बोलिए बोरा जी, नरेंद्र जी। उत्पाद पर्यात्मक व्यात्मक द्रव्य में नहीं होता है, उत्पाद व्यात्मक गुणों में नहीं होता है, सिर्फ पर्याय में। लैंग्वेज करेक्शन करिए, सेंटेंस करेक्शन करिए। उत्पाद व्यात्मक द्रव्य नहीं होता है, उत्पाद व्यात्मक गुण नहीं होता है, उत्पाद व्यात्मक सिर्फ पर्याय होती है। उत्पाद व्यात्मक द्रव्य नहीं होता है, उत्पाद व्यात्मक गुण नहीं होता है, सिर्फ पर्याय में होता है। हाँ पर्याय। अगर मान लो आपने जैसा बोला उत्पाद व्यात्मक द्रव्य होता है, ऐसा बोलने पर क्या आपत्ति आएगी, क्या तकलीफ होगी साहब? बोलिए राहुल जी, बोलिए। जो द्रव्य त्रैकालिक है उसका नष्ट और उत्पन्न होना सिद्ध होगा। हाँ जी, अगर आप उत्पाद व्यात्मक द्रव्य होता है ऐसा बोल देंगे तो कल आकाश की उत्पत्ति माननी पड़ेगी और नाश मानना पड़ेगा।
फिर आत्मा की उत्पत्ति और नाश माननी पड़ेगी, पांचों पदार्थ की उत्पत्ति और नाश आपको मानना पड़ेगा, ये आपत्ति आ जाएगी। जबकि द्रव्य स्वरूप से ये पांचों ही द्रव्य त्रिकाल नित्य शाश्वत है, सदा काल अस्तित्व में रहने वाले हैं, इसीलिए तो उत्पाद व्यय और ध्रुव, जो ध्रुव शब्द आगे रखा है उसका प्रयोजन ये है। क्यों ध्रुव कहा है? ध्रुव मतलब क्या है? नित्य है। ध्रुव शब्द मतलब त्रिकाल नित्य परमानेंट जिसको हम बोलते हैं। ये ध्रुवता दिखाने के लिए द्रव्यों के नाम के साथ अस्थि कायात्मक शब्द जोड़ा है। अरे बात में ख्याल में, पहले ये शब्द बोलिए आप, श्वेता जी बोलेंगे। त्रिकाल नित्य सत्य जानवा माटे अस्थि कायात्मक नो उपयोग करवामा आव्यो छे। अच्छा चलिए जी बोलेंगे, शब्द बराबर बोलना है। आपने बताया था कि ध्रुव का शब्द इस जो कभी उत्पाद व्यय नहीं होता है, इसके लिए अस्थि कायात्मक नाम दिया गया है, दैट मींस परमानेंट, राइट। अस्थि कायात्मक ये शब्द प्रयोग करके आगे नाम लिखे हैं पदार्थों के, आकाशास्थि काय, जीवास्थि काय, धर्मास्थि काय, अधर्मास्थि काय, पुद्गलास्थि काय, इन पांचों शब्दों के साथ अस्थि काय शब्द जोड़ने का मतलब ही है ध्रुव। त्रिकाल नित्यता, त्रिकाल नित्यता जो त्रैकालिक शाश्वतता है, वो इस ध्रुव शब्द के कारण जोड़ी है। उत्पाद व्यय भी कहा है और फिर ध्रुव भी कहा है। अब ये कॉन्ट्रास्ट लगता है लोगों को, लेकिन ये कॉन्ट्रास्ट क्यों लग रहा है? शंकराचार्य जी को भी कॉन्ट्रास्ट लगा, ख्याल आया कि नहीं? उन्होंने भी ये गलत कहा, त्रिपदी बिल्कुल गलत है, ऐसा उन्होंने कह दिया। तो क्या ये सही है, क्या ये गलत है? बस ये समझने की आवश्यकता पूरी है सर। तो उत्पाद वे द्रव्यात्मक त्रिपदी, मैं अभी फिर से आपको पूछता हूं, पदार्थ स्वरूप द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, इतना कहने से काम चल सकता था? तो फिर क्यों त्रिपदी की बात की भगवान ने? फिर त्रिपदी की आवश्यकता क्यों लगी? बोलिए, जिसको भी आता है हाथ ऊपर करना, तो आप बोल पाएंगे, समझ पाएंगे। जगत की, जगत का स्वरूप बताने के लिए त्रिपदी का माध्यम। बोलिए आशा बहन, क्या बोलना चाहते हैं? उनकी त्रिकाण नित्यता बताने के लिए। नहीं, देखिए जगत का स्वरूप तो द्रव्य गुण पर्याय कहने से हो जाता है। आ रही ना बात ख्याल में? मैंने पहले भी आपको क्या पूछा था, पहले आपने थोड़ा सा ध्यान दिया था, पदार्थ स्वरूप जो है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। तो केवल ही जो है पदार्थ स्वरूप तो बनाने नहीं गए, वैसा तो उन्होंने नहीं बनाया है, उन्होंने पदार्थ बनाए नहीं है। अब ये क्या है? पदार्थ स्वरूप है, लेकिन ऐसे पदार्थों की व्यवस्था कैसे चल रही है ये बताने के लिए त्रिपदी बताई। पदार्थ स्वरूप अलग है और पदार्थों की व्यवस्था अलग है। अब आ रही है बात समझ में? दोनों को अलग अलग समझने की कोशिश करिए। पदार्थ स्वरूप जो है वो द्रव्य गुण पर्यायात्मक है। ये महावीर स्वामी एक भी द्रव्य बनाने नहीं गए, एक भी गुण बनाने नहीं गए। अरे ख्याल में आपको, एक भी पर्याय बनाने नहीं गए, तो द्रव्य गुण पर्यायात्मक स्वरूप तो हो गया, जगत है ही ऐसा है। तो महावीर ने कहा बिल्कुल सही बात है, जगत है ही ऐसा। महावीर स्वामी ने कुछ भी नहीं किया इसमें, कुछ भी नहीं बनाया, और महावीर स्वामी ने यह भी कह दिया कि कोई भी कुछ नहीं कर सकता है, किसी के हाथ में कोई व्यवस्था नहीं है।
किसी के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जब जगत जो है द्रव्य गुण पर्यायात्मक है, अब ये जगत की व्यवस्था कैसे चल रही है, क्या हो रहा है, संचालन कैसे हो रहा है, परिवर्तन कैसे हो रहा है, ये सारी बात बताने के लिए केवल ज्ञानी को त्रिपदी बतानी अनिवार्य। तब जाकर के पदार्थों के अंदर उत्पाद व्यय होगा तो पर्याय का परिवर्तन होगा, उत्पाद व्यय नहीं होगा तो पर्याय बदलेगी नहीं, बदलेगी नहीं तो परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन नहीं होगा तो फिर जगत एज इट इज स्टैंड स्टिल बन जाएगा, फिर कुछ भी नहीं होगा सर। और वो किसमें है, आकाश में, धर्मास्थि काय में, अधर्मास्थि काय में क्या है, बिल्कुल एज इट इज स्टैंड स्टिल है, कुछ भी नहीं करना है उनको। तो फिर हम कैसे कहेंगे आकाश की पर्याय बदलती, धर्मास्थि काय की पर्याय बदलती, अधर्मास्थि काय की पर्याय, बिना पर्याय परिवर्तन का एक भी द्रव्य नहीं है। बोलिए नरेंद्र जी, ये शब्द बोलिए आप। भाटिया जी, पर्याय बिना पर्याय परिवर्तन का एक भी जीव नहीं द्रव्य नहीं है। बिना पर्याय परिवर्तन का एक भी द्रव्य नहीं है, बिना पर्याय परिवर्तन का एक भी गुण नहीं है साहब। अब बात समझते भी जाइए, बोलते भी जाइए साहब, दोनों बात पर ध्यान दीजिए साहब। मेहता जी बराबर लग रही है बात, बोलो जी साहब जी। बिना पर्याय परिवर्तन का एक भी द्रव्य नहीं और बिना पर्याय परिवर्तन का एक भी गुण नहीं है, बस बात पूरी हो गई। अब ये हो रहा है, इट इज हैपनिंग ऑलरेडी। तब जाकर के महावीर स्वामी को ये त्रिपदी की स्थापना करनी पड़ी। महावीर स्वामी ने द्रव्य बनाए नहीं है, महावीर स्वामी ने किसी भी द्रव्य का कोई गुण बनाया नहीं है, द्रव्य का अस्तित्व अपने आप स्वयं सिद्ध है, आकाश बनाना नहीं पड़ता है, आत्मा बनाई नहीं जाती है, धर्मास्थि काय अधर्मास्थि काय बनाए नहीं जाते हैं, पुद्गल के परमाणु भी बनाए नहीं जाते हैं। अब ये केवल ज्ञानी ने स्पष्ट जान लिया, ये केवल ज्ञानी ने, केवल दर्शनी ने अपने केवल ज्ञान में स्पष्ट देख लिया। अब ऐसे स्थिति के अंदर पूर्ण जगत का स्वरूप जो द्रव्य समूहात्मक है वो है, ये कोई ना नहीं है सब, बिल्कुल सही है। अब सवाल किस बात का आ रहा है, तो फिर भगवान केवल ज्ञानी ने त्रिपदी क्यों बनाई, इसका उत्तर क्या देंगे। ये अभी जो दो सेंटेंस आपने दिए, बिना उत्पाद व्यय का एक भी द्रव्य नहीं है, बिना उत्पाद व्यय हुए जगत में एक भी जीवात्मा, एक भी परमाणु ऐसा नहीं है। आज जाकर आप सिमंदर स्वामी को प्रश्न पूछिए कि हे भगवान, अनंत अनंत जीव संसार में है, अनंत अनंत परमाणु संसार में है, एग्जिस्टेंस बरोबर बना हुआ है, लेकिन एक भी परमाणु क्या ऐसा है कि जिसका पर्याय परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं, एक भी गुण किसी का ऐसा है कि जिसका पर्याय परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं है, एक भी द्रव्य ऐसा है कि जिसका उत्पाद व्यय नहीं हुआ, पर्याय परिवर्तन कभी हुआ ही नहीं है, ऐसा कुछ है क्या। आप, मैं पहले ध्यान दे रहा था कि भाई मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, वो तो समझ में आ रहा है कि नहीं। राहुल जी आपको तीनों प्रश्न समझ में आए क्या, केवल ज्ञानी सिमंदर स्वामी को जाकर पूछना, बिना उत्पाद व्यय के एक भी द्रव्य नहीं है, है कि नहीं। हाँ, अब ये देखिए 14 राज लोक है, अब इसमें पांचों पदार्थों का समूह तो है यहाँ पर,
अब इसके अंदर आप देख रहे हैं कितने परमाणु हैं। इन परमाणुओं की संख्या अगर आप ये देखें तो ये भी कितनी है, और अगर इन जीवों की संख्या आप देखें तो ये भी कितने हैं, जीवों की संख्या भी अनंतानंत है। कब से है? अनंतानंत काल से है। कब तक रहेंगे? अनंतानंत काल तक रहेंगे। लेकिन बिना पर्याय परिवर्तन का एक भी जीव ऐसा है क्या? बिना पर्याय परिवर्तन का एक भी परमाणु ऐसा है क्या? बिना पर्याय परिवर्तन का लोकाकाश का एक भी क्षेत्र ऐसा है क्या? बिना पर्याय परिवर्तन का धर्मास्तिकाय का कोई एक प्रदेश भी बचा है क्या? बिना पर्याय परिवर्तन का अधर्मास्तिकाय का एक भी प्रदेश बचा है क्या? बिना पर्याय परिवर्तन का संसार में एक भी जीव ऐसा कोई बचा है क्या? बोलिए, आ गई बात समझ में? प्रश्न बरोबर ध्यान में आ रहा है आपके? नहीं समझ में आ रहा है तो जरूर पूछना, पहले कह रहा हूं, लेकिन समझ में आना बहुत जरूरी है। परमिता बहन बोल सो। बिना पर्याय परिवर्तन का एक भी जीव है क्या? बिना पर्याय परिवर्तन का एक भी पुद्गल है क्या? बिना पर्याय परिवर्तन का एक भी धर्म धर्मास्तिकाय है क्या? बिना पर्याय परिवर्तन का एक भी अधर्मास्तिकाय द्रव्य है क्या? बिना पर्याय परिवर्तन का एक भी आकाशस्थिकाय द्रव्य है क्या? जी पहले क्या बोलना है वहां पर? धर्मास्तिकाय का एक भी प्रदेश, प्रदेश ओ अधर्मास्तिकाय का एक भी प्रदेश, लोकाकाश का एक भी प्रदेश, बिना पर्याय परिवर्तन का रहा है क्या? अनंतानंत जीव है, एक भी जीवात्मा बिना पर्याय परिवर्तन के रही है क्या, बची है क्या? और अनंतानंत परमाणुओं के अंदर एक भी परमाणु ऐसा बचा है आज दिन तक किसी में एक भी पर्याय परिवर्तन हुआ ही नहीं, ऐसा कोई है क्या? सिमंदर स्वामी स्पष्ट उत्तर देंगे, ना, ऐसा कभी होता ही नहीं है, ऐसा हुआ ही नहीं है। आखिर सिमंदर स्वामी को पूछिए, भगवान आपके बारे में क्या हुआ, आपके जीवन में क्या हुआ? तो सिमंदर स्वामी ये स्पष्ट उत्तर देंगे, बिल्कुल मेरे जीवन में भी यही हुआ, मेरे अनंत भव हुए, अनंत जन्म हुए। हाँ, ये जन्म अंतिम जरूर है, लेकिन इसके पहले अनंत 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 जन्म तो मैंने किए, बिल्कुल हुए हैं सब। ये विशेषता है। अब संसार के अंदर इतने द्रव्य है, इतने द्रव्य है, और इतने द्रव्यों के अंदर अनंत अनंत जीवात्मा है। आकाश तो चलो ठीक, एक ही आकाश है, धर्मास्तिकाय तो एक ही द्रव्य है, अधर्मास्तिकाय तो एक ही द्रव्य है, लेकिन इतने बड़े धर्मास्तिकाय के अंदर भी अगर हम ये देखें कि ये धर्मास्तिकाय है और इसके अंदर इसके प्रदेश कितने हैं, अजी धर्मास्तिकाय द्रव्य है, इसके प्रदेश कितने हैं? ये है यहाँ पर कितने असंख्य है, असंख्य। हाँ, अनंत मत बोलिए साहब, असंख्य प्रदेश है। अब इन असंख्य प्रदेशों के अंदर जो है पर्याय का परिवर्तन, अब कोई जीव यहां से यहां गया,
कोई जीव यहाँ से यहाँ आया, कोई जीव यहाँ से यहाँ गया, एक परमाणु यहाँ से यहाँ गया, एक परमाणु यहाँ से यहाँ गया, सिद्ध भगवान यहाँ से यहाँ गए, अब कोई भी जो है एक भी परमाणु, अब इतने असंख्य प्रदेश है, कौन सा ऐसा एक प्रदेश जो बिल्कुल जीव के द्वारा या परमाणु के द्वारा अछूता रह गया, अस्पृश्य रह गया? समझ में आ रही है बात? तो सिमंदर स्वामी ना कह रहे हैं, इतने असंख्य प्रदेशों में से एक भी प्रदेश ऐसा नहीं है कि जिस पर कभी जीव का स्पर्श न हुआ, जिस पर कभी कोई परमाणु का स्पर्श नहीं हुआ, आए गए नहीं। थोड़े पहले इधर देखिए, ध्यान दीजिए, कितने प्रदेश है माता जी धर्मास्तिक आए के? संख्य। और जीवात्मा कितने हैं? अनंतानंत। परमाणु कितने हैं? अनंतानंत। तो फिर कौन सा प्रदेश अस्पृश्य रह सकता है? नहीं रह सकता साहब। बस अब अस्पृश्य नहीं रह सकते हैं तो ये गमनागमन तो होगा कि नहीं होगा? ये गमन आगमन होगा कि नहीं होगा? निश्चित होगा। तो कौन सा प्रदेश अस्पृश्य रह सकता है? नहीं, बरोबर है। अब ध्यान से सुनना थोड़ा सा। अब सिमंदर स्वामी को दूसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, हे भगवान धर्मास्तिक आए के एक एक प्रदेश ये तो ऑलरेडी स्टैंडर्ड स्टिल है, ये तो अचल है, स्थिर है, स्थाई है, कोई गतिशील नहीं है, निष्क्रिय है, स्वयं होकर कोई क्रिया करते ही नहीं है, तो एक एक प्रदेश के ऊपर पर्याय का परिवर्तन कितनी बार हुआ? बोलिए मेहता जी, बात समझ में आ गई? जी साहब जी, समझ में आ गई। कितनी बार हुआ? अनंत अनंत बार हुआ। हाँ जी, बरोबर, अनंत अनंत बार धर्मास्तिकाय के एक एक प्रदेश का उपयोग हुआ है। कभी जीव ने आके स्पर्श किया, कभी परमाणु ने आकर स्पर्श किया, दो ही तो है साहब, तीसरा तो कोई है ही नहीं। तीसरा कौन आने वाला है? आकाश तो कोई आने जाने वाला तो है नहीं, अधर्मास्ती काय कोई आने जाने वाला है नहीं, तो ये कौन सी हुई पर्याय? परकृत पर्याय परिवर्तन। परकृत मतलब पर कौन है? जीव और पुद्गल परमाणु। अब जीव ने इस प्रदेश का, अब यहां के एक प्रदेश की बात करिए, ये कौन सा है? सात राध लोक का नीचे का अधो लोक का। अब ये एक प्रदेश ले लिया आपने, अब इस एक प्रदेश पर कितने काल तक कितने जीवों का गमनागमन हुआ? अनंत अनंत काल से तो है अस्तित्व में, भविष्य में अनंत अनंत काल तक धर्मास्तिकाय द्रव्य अस्तित्व में बना ही रहेगा, और आज दिन तक अनंत अनंत जीवात्माएं इस एक प्रदेश पर आए और गए, और अनंत अनंत परमाणु इस एक प्रदेश पर आए और गए, इस प्रदेश को क्या हुआ? गुरु जी ख्याल में आ रहा है, इस प्रदेश को क्या हुआ? पर्याय परिवर्तन। बस, लेकिन ये प्रदेश नष्ट हुआ क्या? नहीं हुआ। इधर के सेंटर के प्रदेश जितने अनंत अनंत बार उपयोग में आएंगे, शायद ये कॉर्नर के उतने अनंतवे भाग के ही उपयोग में आएंगे। अरे बात समझ में, थोड़ा सा ध्यान से समझना। ये जो है ये त्रस नाड़ी है, ये सेंटर हो गया त्रस नाड़ी में, इतने ही सेंटर भाग में तो मनुष्य जीवों की उत्पत्ति आदि है, यहीं से मोक्ष में जाना है, तो ये प्रदेश जो है, इतने प्रदेश जितनी बार उपयोग में आएंगे
उतने ये अनंत बार उपयोग में आएंगे कि नहीं आएंगे। प्रत्येक बार गति के लिए धर्मास्तिकाय द्रव्य ही उपयोग में लेना है, प्रत्येक बार स्थिर होने के लिए अधर्मास्ति को ही उपयोग लेना है, प्रत्येक बार रहने ठहरने अवगाहन के लिए आकाश का ही उपयोग करना है। तो जो प्रश्न हमने इसमें देखा है वही अधर्मास्तिकाय, वही आकाश में। धर्मास्तिकाय के एक एक प्रदेश का उपयोग भी अनंत अनंत बार हो चुका है, उसी को कहते हैं पर्याय परिवर्तन। जब कोई जीव आया तो इस प्रदेश में उत्पन्न हुआ, जब कोई जीव यहां से गया तो इस प्रदेश का व्यय हुआ, संयोग का उत्पाद व्यय हुआ। वो प्रदेश तो एज इट इज है, अनंत अनंत जीवों के आने जाने के बावजूद भी और अनंत अनंत परमाणुओं के भी आने जाने के बावजूद भी इस प्रदेश का सर्वथा नाश नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ बाठिया जी बोलिए? क्योंकि प्रदेश कभी भी नष्ट होते नहीं। हाँ जी, बहुत अच्छी बात है। और कोई अच्छा उत्तर है क्या? राहुल जी बोलिए। क्योंकि पांचों द्रव्य अस्थिकायात्मक है, एक द्रव्य की इसकी बात करनी है आपको, इसके लिए दूसरा उत्तर क्यों बोलते हो? क्योंकि धर्मास्तिकाय द्रव्य अस्थिकायात्मक है, इसलिए एक भी नहीं। आपको फिर डबल पनिशमेंट आएगा, 27 लोगस का क्या? बोलिए कानन बहन। अनादि अनंत काल से एक भी द्रव्य का एक भी प्रदेश सर्वथा समूल का नष्ट होता ही नहीं है। नहीं, आपको भी 27 नवकार गिनने। आचल्य जी बोलिए। मेरा भी वो ही था कि सर्वथा एक भी प्रदेश। पहले ही ना कह दो। हाँ साहब बोलिए। श्वेता बेन शाह। દરેક પ્રદેશનો અખંડ અસંખ્ય અખંડ સમૂહાત્મક પિંડ રૂપે હોય છે, માટે એ વિખરાતા નથી પ્રદેશ। હા, કેટના એક હી ઉત્તર હે, એક સેન્ટેન્સ સે જ્યાદા નહીં બોલના હે। હા, વિખરાતા નથી। મહેતા જી બોલીએ, આપ ક્યા બોલેંગે ઉત્તર? ક્યોકી ધર્માસિકા અધર્માસિકા આકાશિકા એક ભી પ્રદેશ વિખરતા નહીં હે। ખંડિત હોતા હી નહીં હે, खंडित होकर अलग होता ही नहीं है। फिर सवाल क्या है? नष्ट होने का तो प्रश्न ही नहीं आ रहा है। वो बाद में आप बोलिए, जब खंडित होगा तो नष्ट होगा, खंडित नहीं होगा तो नष्ट नहीं होगा। अखंड शब्द क्यों बोल रहे हैं हम? इसकी व्याख्या डेफिनेशन की तब भी हमने अखंड शब्द का प्रयोग किया है। अब पहले आप ये बताइए, अखंड प्रदेश किसके किसके हैं और अखंड किसके नहीं है? बोलिए। तृप्ति बेन बोलेंगे मालूम है? नहीं। चलिए हंसा बेन बोलो। हाँ साहेब जी, खंडित प्रदेश खाली पुद्गल परमाणु के है रहते हैं, बाकी चारों द्रव्य के धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशास्तिकाय और जीवास्तिकाय चारों के अखंड प्रदेश रहते हैं। आपको फर्स्ट प्राइज आया, बहुत अच्छा। कोई भी जो भी हो सोच समझ के अच्छी तरह से बोलिए। अब देखिए क्या है, इनके प्रदेश नष्ट तो होने वाले नहीं। आखिर ये पदार्थ ध्रुव क्यों कहलाते हैं? अब आप इनको सबको ध्रुव नाम दिया है ना, ये ध्रुव पना क्या है? ध्रुव क्यों? ध्रुव का मतलब नित्य है, त्रिकाल नित्य है, तो क्यों नित्य कहलाते हैं? प्रदेशों का समूह अखंड रहता है, इसलिए ध्रुव कहलाते हैं। और जिस स्कंद के प्रदेश खंडित होकर परमाणु होते हैं और फिर से परमाणु संगठित होकर के जुड़ करके स्कंद बनता है, परमाणु का द्रव्य रूप से अस्तित्व नष्ट नहीं होता है, वो भी शाश्वत है। लेकिन परमाणुओं का संयोग वियोग होने के कारण पर्याय अस्थिर है, पर्याय परिवर्तन होता है, द्रव्य का नाश नहीं होता है,
इसके लिए ध्रुव शब्द का प्रयोग सही दिया। अब आ गई बात ख्याल में। अब इसके अंदर मैं आपको द्रव्यानुयोग में ज्यादा मेहनत कराता हूँ, द्रव्यानुयोग में ज्यादा पूछता भी हूँ, बुलाता हूँ। बाकी के थोड़े इजी लगते हैं तो मैं भी थोड़ा सा ढीला छोड़ देता हूँ, चलो भाई कुछ हरकत नहीं। लेकिन ये थोड़ा जटिल है, ये जो है इसको थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। चोरडिया जी, आपने सीए में जितनी मेहनत नहीं की थी, सीए बनने में एग्जाम में इससे 10 गुनी मेहनत इसमें करनी पड़ेगी। नहीं, तो आपके क्लास में बहुत अच्छी लगती है मेरे को, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। हाँ, तो अब जैसा स्वरूप धर्मास्ती का है वैसा अधर्मास्ती का है, वैसा ही आकाश का है। लेकिन मैं कहा क्या पूछ रहा हूँ कि केवली ने द्रव्यात्मक स्वरूप बताया, गुणात्मक स्वरूप बताया। ये द्रव्य से ध्रुव है और द्रव्य से इनके गुण भी ध्रुव है, लेकिन पर्याय में परिवर्तन अवश्य हो रहा है। तो सिमंदर स्वामी ने स्पष्ट कर दिया, एक एक द्रव्य में अनंत अनंत बार उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय परिवर्तन हो भी जाए तो भी मूल द्रव्य स्वरूप से तो वो त्रिकाल नित्य ध्रुव रहने ही वाला है, कुछ भी नष्ट नहीं होगा। किसकी बात आई? अब आत्मा को ही देख लो साहब, एक एक आत्मा ने कितनी बार उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से पर्याय परिवर्तन किया होगा। हम महावीर स्वामी की आत्मा के बारे में ही पूछ लें साहब, कितनी बार उन्होंने पर्याय परिवर्तन किया होगा, फिर भी एक भी आत्मा नष्ट नहीं हुई। महावीर स्वामी की आत्मा ने अनंत अनंत पर्याय परिवर्तन किया, सिमंदर स्वामी की आत्मा ने अनंत अनंत बार पर्याय परिवर्तन किया, आदिनाथ भगवान की आत्मा ने अनंत अनंत बार पर्याय परिवर्तन किया है, लेकिन सर्वथा नष्ट कोई भी नहीं हुए। अगर नष्ट हो जाते तो महावीर स्वामी मोक्ष में कैसे जाते और भगवान कैसे बनते? नहीं हुआ नाश, किसी का भी नाश नहीं हुआ, ये विशेषता है। हाँ सब, अभी मुझे ये विषय तो मैंने शुरुआत ही नहीं की अभी तो। पर्याय परिवर्तन जो होगा, उत्पाद व्ययात्मक पर्याय परिवर्तन, ये कैसे पर्याय परिवर्तन किस तरह से होगी, अब ये मैं शुरू करने जाऊं इतनी देर में तो यहाँ घड़ी आगे बढ़ गई सब, टाइम पूरा होने आ गया, अब मैं क्या करूं बोलिए सब। अब फिर मुझे नेक्स्ट क्लास में जाना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि थोड़ी इसमें जल्दी गाड़ी आगे बढ़े, लेकिन ये संभव नहीं बन पाता है, क्योंकि सबको बुलाओ, सबको घुटाओ, सबको पूछो, रिवीजन कराओ, रिपीटेशन कराओ, तब तक तो जो है घड़ी बहुत आगे बढ़ जाती है। भारती बहन इतने लेट आ रहे हैं, क्या बात है? अच्छा, धन्यवाद। हाँ चलिए चलिए, हाँ जी प्रश्न पूछिए। मध्यमंदामी कृतज्ञोस्मी। सुनीता दीदी, साहब जी, आप आज आपने जैसे त्रिपदी को व्यवस्था कारक बताया था कि वो व्यवस्था कारक है, ये बात समझ में आई। और ये भी समझ में आया कि जैसे पहले ये क्लियर नहीं हुआ था कि धर्मास्तिका है और इनमें पर्याय परिवर्तन कैसे होता है, आज ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई कि इनका जितना यूज किया उतना उसको पर्याय परिवर्तन कहा। लेकिन त्रिपदी से क्यों कहा, ये अभी भी उसका कंसेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है। समझ में आ रहा है, पर साहेब जी आप धीरे धीरे पढ़ाते हो तो अच्छी बात है, हमको अंदर घुसना चाहिए, यह इस जन्म में हमारे साथ ही जाना चाहिए, इसलिए आप घुटाते हो तो अच्छी बात है। किसी को लगता है कि महाराज इतना घुटाएंगे तो ये तो कितने वर्षों तक खींचेंगे, और किसी को लगता है कि इतना मत घुटाइए महाराज, आप तो जो है फटाफट पढ़ाइए। साहब जी हमारे अंदर जाना चाहिए और हमारे साथ जाना चाहिए। और किसी को अच्छा लगता है कि महाराज घुटाते हैं तो मजबूत होता है, अंदर सॉलिड होता है। अब मैं क्या करूं, आगे ज्यादा पाठ कराऊं कि है वो पक्का कराऊं? अभी आपने माता जी जो उत्तर दिया है ना,
अगर आपकी पिछली क्लासों का थोड़ा सा रिवीजन होता तो आज आपको ऐसा नहीं बोलना पड़ता। आप धर्मास्तिकाय में भी देखिए, अधर्मास्तिकाय में भी देखिए, पर्याय परिवर्तन होने का कारण क्या है और कैसा है वो इसी उत्पाद व्यय की प्रक्रिया में आ रहा है। लेकिन मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप लोग धीरज रख रहे हो और ये घुटा करके भी आप समझने लग गए हो। मीना बहन जी, इज इट पॉसिबल फॉर यू टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली और नॉट? यू सी एंड इफ यू विल सी ऑल द लास्ट एपिसोड्स, ऑल द क्लासेस, देन यू विल गेट ऑल द सब्जेक्ट्स वेरी वेल, यू सी, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। Yes, I'll try to revise it. I mean, I have missed 2 years, so I have to catch up a lot. Very good, very good. Sorry, thank you. महाराज साहब, ये बात है कि आपने बताया कि मतलब सर्वज्ञ ने केवली ने जो तिरुपति की जो व्यवस्था व्याख्या की उसके एक रीजन आपने बताया जगत का संचालन, तो जगत का संचालन के लिए तिरुपति की व्याख्या की, तब फिर जगत के कर्ता की बात नहीं आ जाएगी क्या? संचालन मैंने शब्द प्रयोग नहीं किया, व्यवस्था प्रयोग। अच्छा, संचालन शब्द का प्रयोग मैंने नहीं किया है। व्यवस्था जो है कैसे हो रही है, कैसे बैठ रही है, किस तरह से हो रही है, तो वो पर्याय परिवर्तन के ठीक बात होगा। फंक्शनिंग सिस्टम जगत कैसे फंक्शनिंग हो रहा है, फंक्शनिंग सिस्टम जो है वो उत्पाद व्यय की प्रक्रिया से हो रही है। ठीक है मथेनंदामी, अब प्रश्न सबके हो चुके हैं, तो अगली क्लास जो है हमारी जैन कर्म एंड फिलोसॉफी की रहेगी। और सबको एक बार मैं रिमाइंडर करवा दूं, कल 14 से, तो प्लीज कृपा करके 7 to 8 जो है देवचंद्र जी महाराज की हम क्वेश्चन आंसर लेंगे, और 8 to 9 जो है हम नौकार मंत्र के क्वेश्चन आंसर लेंगे। तो कृपा करके जो लोग और प्रतिक्रमण नहीं करे वो ज्वाइन करे प्लीज। मतिनंदमी कृतज्ञोस्मि, कृपा करके मंगल पाठ करे। नमो हरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो हरियाणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सर्वसाहुनम, एषु पञ्च नमोकारो सर्वपापप्रणाशनो मङ्गलाणं च सव्येसिं परमं हवै मङ्गलम्। मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतम प्रभो, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्य जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम्। चत्तारि मङ्गलम्, अरिहन्ता मङ्गलम्, सिद्धा मङ्गलम्, साहु मङ्गलम्, केवली पन्नतो दम्मो मङ्गलम्। चत्तारि लोगोत्तम, अरिहन्ता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पन्नतो दम्मो लोगोत्तम। चत्तारि शरणं भवजामि, अरिहन्ते शरणं भवजामि, सिद्धे शरणं भवजामि, साहु शरणं भवजामि, केवली पन्नतं धम्मं शरणं भवजामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारणं प्रधानं सर्वधर्माणां जयनं जयति शासनम्।